अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान सियालवी और आप देख रहे हैं बतीसियां चैनल। नाज़रीन, आज हम यहां मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से मज़े की पहेलियां पूछने जा रहे हैं। देखते हैं कि लोगों का इनका जवाब आता है या नहीं आता। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो क्या करते हैं? मेरा अल्ट्रेशन का काम है। दिमाग चलता है जी? दिमाग काम करते हैं। अल्लाह का गर्मी में होता है ना, कभी अल्लाह का दिया हुआ है चलता है। सवाल पूछ लो, पूछें पहेलियाँ पूछ लो, जो दिल कर रहा पूछें। अच्छा ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुल तो सकती है लेकिन बंद नहीं हो सकती। समझ रहे हो, समझ रहे हो? किस्मत। किस्मत तो कभी अच्छी हो जाती है, कभी बुरी हो जाती है। नहीं पता। मालूम नहीं तेरे का मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। अरे सोचे तो सही है, आपने तो साथ ही। नहीं नहीं पता। सारे फल ऐसे हैं जिसे खोल सकते हैं। नहीं, कोई एक चीज बताए ना, कोई कौन सी ऐसी चीज है जिसको खोल तो सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। एक नहीं, मैंने आपको काफी सारे बताए। सारे फल ऐसे हैं खोल सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। क्यों बंद कर सकते? देखिए, केले को उतारे, केले के छिलके उतारे, ठीक है, वापस बंद कर दे। क्यों आप उसको गम लगाएंगे? हाँ, हो जाते। भाई बंद नहीं होता। क्या अच्छा, हो गया है? कौन सा मगज खा के आए आप? नहीं पता, थोड़ा दिमाग पे जोर तो दे। पता ही नहीं आता, कैसे बताऊं? मैं कह रहा हूँ कि नहीं पता, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचें। नो गॉड प्लीज नो नो। अंडा। क्या बात है, आप तो कह रहे हैं कि पबजी में दिमाग चलता है आपका, तो वैसे भी चलता। तोबा का दरवाजा। तोबा का दरवाजा, तोबा का दरवाजा तो आखिरी सांस तक खुला रहता है। तेरे कुछ और पूछ। सोचे सोचे, इस पे तो सोचे ना, कोई दो मिनट तो ले थोड़े से। सर इस पे अब फिर यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो एक मिनट का खुलती है और दोबारा नहीं खुलती? दोबारा बंद नहीं होती। दोबारा बंद नहीं होती। बंद नहीं होती तो खुलेगी कैसे? खोल सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। बंद नहीं कर सकते। मुर्गी का अंडा भी कह सकते। बिल्कुल, मुर्गी का सारे अंडे ऐसे अंडे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही जवाब था आपका। चलिए एक और पूछ लेता हूँ। ये बताएं कि अगर एक हाथी एक घंटे में एक किलो गोश्त खा रहा है तो 10 हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? 10 किलो। 1 किलो? नोप। एक हाथी एक घंटे में एक किलो गोश्त, तो 10 हाथी एक घंटे में कितना? 10 किलो गोश्त। 10 किलो गोश्त। नोप। अगर एक हाथी एक घंटे में एक किलो गोश्त खा रहा है तो 10 हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? वो भी एक ही खाएगा। नोप। यानी कि जितना एक खाएगा दूसरा भी उतना ही खाएगा। 10 किलो? नहीं, हर हाथी एक एक किलो। 10 किलो देखे ना, एक हाथी एक घंटे में एक किलो गोश्त खा रहा है तो 10 हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? आप बता दें कितना। मैं भी तो बता ही दूंगा, थोड़ा आप भी तो सोचो ना। नहीं यार, मैंने जितना सोचा। मैं आपको सवाल का जवाब बता दूंगा। आप मगज खा के हैं, आप बताएं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। एक हाथी एक घंटे में एक किलो गोश्त खा रहा है तो 10 हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? हाथी मतलब गोश्त तो नहीं खाता चाहे। ये देखा ना, चला ना दिमाग। अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। एक हाथी ने एक किलो खाना है। हाँ, एक हाथी एक घंटे में एक किलो गोश्त खाता। गोश्त खाएगा ही नहीं हाथी। ये हुई ना बात। चल रहा है, चल रहा है दिमाग, चल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अगली पहेली ये है, ये शायद आपको ना आए। वो कौन सा ऐसा कमरा है जहाँ पर इंसान जब जाता है, जब दाखिल होता है तो उसका 9 किलो वजन कम हो जाता है? कौन सा ऐसा कमरा जिसमें इंसान दाखिल होता है उसका 9 kg वेट जो है ना वो कम हो जाता है? ये कोई कमरा नहीं है। ऐसा कमरा है, छोटा सा कमरा होता है। आप थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि आप, हाँ, मैंने बस जो सोचा वो बता दिया। मगज पे थोड़ा सा जोर दें और सवाल का जवाब सोचें फिर जवाब दें। उधर देखे ना मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत प्यारा। तुम्हें डर लग रहा है ना? डर लग रहा है। हाँ ना, आप ना डरे, मेरी नजरों से ना देखे, आप ना डरे, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप खड़े हुए ना? अच्छा सर, सोचे तो सही। ये आपने सवाल का जवाब दे दिया तो मैं चला जाऊंगा। कभी आपने लिफ्ट की है? लिफ्ट यूज़ की है। हाँ जी, ग्रेविटी की वजह से इंसान का 9 किलो वजन कम हो जाता है लिफ्ट में, जब ऊपर जाते हैं। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नहीं, वो कौन सा ऐसा कमरा है जहाँ पर इंसान जाता है तो उसका 9 किलो वजन कम हो जाता है? अच्छा चलिए, एक आसान सी पूछ लेते हैं। आसान सी,
वो कौन सी ऐसी चीज है जो घर के बाहर भी होती है घर के अंदर भी होती है? घर के बाहर भी होती है एक वक्त में, घर के बाहर भी होती है घर के अंदर भी होती है। सॉरी, सोचे तो सही, बहुत आसान है। आप घर जाते हैं, आप जब घर जाते हैं जी जी, कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं, बस पे जाते हैं। घर के अंदर कैसे जाते हैं? दरवाजे से। दरवाजे से। आ गया जवाब। दरवाजा कहाँ भी था, मैंने आपको आसान सी है, ये तो मैंने जवाब दिया। चले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाते तो 10 लोग हैं लेकिन वापस 9 लोग आते? कब्रिस्तान। चले कब्रिस्तान। सही जवाब है आपका, बहुत शुक्रिया।